नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं बताऊं आपको मौसम्बी की खेती किस तरह से करें। मौसम्बी की खेती के लिए जो है 6 से 6.5 पीएच वाली भूमि सबसे अच्छी होती है। लवणीय व क्षारीय मिट्टी तथा ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी ठहरा जाता हो वहाँ इसे नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो पौधे को ख़राब कर सकती हैं। तो अच्छी जल निकासी वाली ज़मीन होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय और सूखी जलवायु में अच्छी उपज देती है। मौसम्बी को यदि वर्षा और अधिक नमी वाले क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसके फल भरी प्रकार नहीं पकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो फीके रहते हैं, उनका छिलका भी हरा ही बना रहता है। उष्णकटिबंधीय और नमीयुक्त गर्मी का मौसम उपयुक्त रहता है। इसके साथ साथ सर्दी भी बहुत कम होनी चाहिए और वर्षा काफ़ी होनी चाहिए। बहुत अधिक ठंड और अधिक गर्म मौसम इस फल के लिए उपयुक्त नहीं है। मूल वृत्ति उगाने के लिए फल से निकले हुए ताज़े बीज अगस्त सितंबर के महीने में बोने चाहिए। यदि बुआई में देरी हो जाए तो ठंड के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। इन फलों के प्रवर्धन के लिए टी कलिकायन का तरीका सबसे अच्छा होता है, इसलिए सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छे से होता है। हालांकि स्थान विशेष के लिए तरह तरह के मूल वृत्तों का मानकीकरण होता है, परंतु उत्तर भारत में झीभीरी और कर्णखट्टा उत्तम पाए गए हैं। यदि मिट्टी हल्की लवणी हो तो मौसम्बी के लिए किलियोपेट्रा किस्म का मूल वृत्त अधिक उपयुक्त रहता है। पौधों को कैसे लगाएं, कितनी दूरी में लगाएं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाग में पौधे लगाने के लिए 3x3x3 फिट का जो है आप गड्ढा खोदिए। इसमें आप जो है मौसम्बी के पौधे लगा सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 5 से 6 मीटर के आसपास होनी चाहिए। इन गड्ढों में जो है 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भरना चाहिए और दीमक से प्रकोप से बचने के लिए प्रत्येक गड्ढे में 200 ग्राम क्लोरोविल का धूल डालिए, जो पौधे कलिकायन द्वारा तैयार किए जाते हैं। वे लगभग 1 साल में रोपाई योग्य हो जाते हैं। पौधे लगाने के लिए बरसात का मौसम अति उत्तम होता है, परंतु मार्च एवं अप्रैल में भी पौधे सफलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। पौधा लगाने से पहले प्रत्येक गड्ढे की मिट्टी में 20 किलोग्राम या एक टोकरी गोबर अथवा कंपोस्ट खाद, 1 किलो सुपर फास्फेट मिला लेना चाहिए। रोपाई के बाद नीचे आपको अच्छे से उसको मिट्टी दबाना है और उसमें पानी अच्छे से डालना है। पूरी तरह विकसित और फल देने वाले वृक्षों के लिए प्रति पेड़ जो है वो 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 2.5 किलो सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक की उपयुक्त मात्रा का उपयोग 2 बराबर खुराकों में करें। पहली खुराक जनवरी में दें और दूसरी फल आने के बाद। दोनों बार उर्वरक देने के बाद सिंचाई ज़रूर करें। गोबर की खाद नवंबर दिसंबर के महीने में डालनी चाहिए। सिंचाई, रोपाई के तुरंत बाद बाग की सिंचाई करें। छोटे पौधे 5 साल तक के पौधे की सिंचाई उनके आसपास घेरा बनाकर की जा सकती है, जबकि पुराने पौधे के आसपास पानी भरकर या नालियां बनाकर सिंचाई की जानी चाहिए। गर्मी के मौसम में हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। सर्दी के मौसम में प्रति 4 सप्ताह बाद सिंचाई करना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की यदा कदा ही आवश्यकता होती है। इस मौसम में बरसात का अतिरिक्त पानी निकालने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि सिंचाई का पानी पेड़ के मुख्य तने के संपर्क में ना आए। इसके लिए मुख्य तने के आसपास मिट्टी की एक छोटी मंदी बनानी जानी चाहिए। ड्रिप सिंचाई विधि सबसे अच्छी रहती है। इसके द्वारा ज़मीन की बचत, उर्वरकों का उपयोग होता है, साथ ही बीमारी भी कम लगती है। निराई गुड़ाई, फलों वाले बाग को कभी भी गहरा नहीं जोतना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ ज़मीन के ऊपरी सतह पर रहती है और गहरी जुताई करने से उनके नष्ट होने का खतरा रहता है।
बागों में खरपतवार को रोकथाम करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 7.5 से 10 किलोग्राम तक सेमेजीन या 2.5 लीटर ग्रेमेसोन की 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पौधे का अच्छा विकास हो इसके लिए उनकी छटाई क्यारियों की अवस्था से ही शुरू हो जानी चाहिए। पौधे के लगभग सभी ऊपरी और बाहरी निकलने वाली शाखाओं की काट छाट करते रहना चाहिए। इस प्रकार 45 सेंटीमीटर लंबाई का साफ तथा सीधा तना रहने दिया जाना चाहिए। समय पर सभी रोगग्रस्त टूटी एवं अनेक शाखाओं वाली सूखी लकड़ी वाली टहनी को निकालते रहना चाहिए। जिस जगह पर कली जोड़ी है उसके ठीक नीचे निकलने वाली प्ररोही उनकी आरंभिक अवस्था में ही हवा देना चाहिए। जिन स्थानों पर शाखाएं काटी गई हो वहां पर बोरोडोक्स नामक रासायनिक की लई बनाकर लगा दें। ये लई 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और 1.5 किलोग्राम गुझा चना और 1.5 किलोग्राम पानी में मिलाकर तैयार करें। मौसमी में किसी प्रकार के पत्ते या फलों में कोई अगर आपको ऐसी बीमारी नज़र आए तो नज़दीक के कृषि संस्थान में जाइए, वो आपके जो है फलों को देखेंगे और पत्तियों को देखकर बताएंगे कि इसमें क्या बीमारी है और उसके हिसाब से वो आपको दवा बताएंगे कि क्या क्या डालना है, कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं आप मौसम्बी के पौधों के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्दियों के मौसम में ऐसी फसल नहीं उगानी चाहिए जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता हो। यदि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो तो इन फलों के बाग में सेम और लोबिया की फसल गर्मी के मौसम में उगाना लाभदायक होता है। इसके अलावा बरसात के मौसम में सनी और गवार जैसी हरी खाद वाली फसल उगाने से खरपतवार की भी रोकथाम होती है और भारी वर्षा का अतिरिक्त पानी भी इन फसलों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इस प्रजाति के बागों में अंतः फसल उगाना सही नहीं पाया गया है। आरंभिक अवस्था में इन कीड़ों को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। गंभीर आक्रमण की अवस्था में 2 मिलीलीटर मिथाइल पाराथोन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, इससे सारे कीट जो है वो समाप्त हो जाएंगे। मौसम्बी को अगस्त और सितंबर के महीनों में तोड़ना चाहिए। फलों को तोड़ते समय इस बात का विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि फल के साथ साथ थोड़ा हिस्सा तना और पत्ती का भी तोड़ लेना चाहिए ताकि फल के छिलके को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो दोस्तों, मौसम्बी की खेती से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।